हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आपके साथ। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ हम आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करवाएंगे। ऐसे जितने भी छात्र जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो सभी आज से निश्चिंत हो जाएं क्योंकि हम आपके साथ। ठीक है, जहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जिसमें आप आज के बाद आपको इंग्लिश में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी। हर रूल का मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि कौन सा रूल क्यों बना, ठीक है, और इसको हम फॉलो क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, ठीक है, और जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं वैसे हम हिंदी भी बोलते हैं। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम स्कूल गए थे, स्कूल में जब हम स्वर व्यंजन सीखने गए थे, उसके पहले हिंदी के हम कई सारे सेंटेंसेस, कई सारे वाक्य हम बोल लेते थे। तो जब हिंदी को बोलने के लिए हमको हिंदी नहीं सीखना पड़ा, उसी तरह इंग्लिश को बोलने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमको इंग्लिश सीखना पड़े। ग्रामेटिकल चीज़ एक अलग है, स्पोकन चीज़ एक अलग है। स्पोकन लैंग्वेज जो हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं या बोलते हैं वो एक अलग चीज़ है, और अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जो हम माई सेल्फ करके इंट्रोडक्शन देते हैं वो माई सेल्फ बिल्कुल ग्रामेटिकली ग्रामर में उसको गलत माना जाता है, और एग्जाम में उसी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे आई, इंग्लिश स्टार्ट कैसे हुई, कैसी बनी, और उसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्या पूछता है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, पूछने का लॉजिक क्या होता है, वो सारी चीजें। तो देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ हम पहले से जानते हैं कि पहले भी हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते थे। जब हिंदी नहीं थी, इंग्लिश नहीं थी, तब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते थे, कन्वर्सेशन करते थे, तो हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर हम भाषा की बात करें, तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि मैं कुछ बोलूँ तो आप समझ जाओ, आप कुछ बोलो तो मैं समझ जाऊँ। मतलब अपने ही आचारों विचारों का आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि ग्रामर जो बनी वो किससे बनी, भाषा से बनी। तो अगर ग्रामर भाषा से बनी है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में जब मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और उसका एक रीजन है क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, और वर्ब का मतलब होता है कोई काम या क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो जब रिसर्च चल रही थी, ग्रामर बनाई जा रही थी, जब भाषा से ग्रामर बन रही थी, रूल्स बन रहे थे, तब पूरी इंग्लिश ग्रामर को पांच भागों में बांटा गया। द होल इंग्लिश ग्रामर हैज बीन डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स, एंड दैट फाइव पार्ट्स आर, वो पांच भाग हैं, पूरी इंग्लिश ग्रामर को पांच भागों में बांटा गया है। वो पांच भाग हैं जिसमें से पहले भाग को हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। द फर्स्ट वन पार्ट इज नोन एज ऑर्थोग्राफी, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी। तीसरे पार्ट को हम कहते हैं सिंटैक्स, और चौथे पार्ट को हम कहते हैं प्रोसोडी, और पांचवें पार्ट को हम कहते हैं पंचुएशन। पांचवें पार्ट को हम क्या कहते हैं, पंचुएशन। पूरी इंग्लिश ग्रामर को इन्हीं पांच भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम हिंदी में अगर बात करें, हम ये देखते हैं कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर छंद बनते हैं, और छंद के बाद हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वही चीज यहां है। तो यहां पे फ्रेंड्स हम आज पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्थोग्राफी, ठीक है, जहां पे ऑर्थोग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में। अगर हम हिंदी की बात करें तो ऑर्थोग्राफी को बोलते हैं अक्षर विचार। क्या बोलते हैं, अक्षर विचार, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है और जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, वो है आपका ऑर्थोग्राफी वाला पार्ट। और इसको आज हम डिटेल में देखेंगे कि यहां से कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे भाषा बनती है, कैसे चीजों का हम उपयोग करते हैं, कैसी सारी चीजें होती है। जैसे अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट हमारा होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है अक्षर विचार, जहां पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम लेटर्स की बात करें, अगर इंग्लिश अंग्रेजी भाषा की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में अगर हम लेटर्स की बात करते हैं तो चीजें शुरू होती हैं ए से लेके जेड। मतलब अगर हम लेटर्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ए से लेके जेड तक के लेटर्स की, ठीक है। अब इन ए से लेके जेड तक के लेटर्स की हम बात करें, जो ए से लेके जेड तक के लेटर्स होते हैं, जो कितने होते हैं, 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स के कलेक्शन को
ये जो 26 लेटर का जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं अल्फाबेट। उसे हम क्या बोल देते हैं? अल्फाबेट। फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, जो चीजें पहली स्टार्ट होती हैं, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है कि 26 लेटर्स के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? अल्फाबेट। आपके एसएससी में, आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, या किसी भी एग्जाम्स की हम बात करें, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और खासकर अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी तो कई बार अल्फाबेट पे बेस्ड क्वेश्चन को रिलेट कर चुका है। कैसे किया है वो हम देखेंगे। जैसे 26 लेटर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया अल्फाबेट। मतलब जब कभी भी हम लेटर्स के सेंस में बात कर रहे हैं, जब कभी भी हम अंग्रेजी में अक्षरों की बात कर रहे हैं, तब और तब वहां पे सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग करना सही होता है, दैट इज अल्फाबेट। ठीक है, यहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब कभी भी, अगर मान लीजिए एसएससी में क्वेश्चन आया था कि एक कोई लड़का रहता है, वो 4 साल की उम्र में पूरे अक्षर सीख लेता है ना, तो 4 साल की उम्र में पूरे अक्षर सीख लेता है, तो पूरे अक्षरों के सेंस में वहां पे हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट्स का प्रयोग होता है लेटर्स के सेंस में, तो वो बिल्कुल क्या होगा? गलत। मतलब जब तक आप लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स में, लेटर के सेंस में कभी भी एग्जाम में आपको अगर अल्फाबेट्स लिखा मिल जाता है, मतलब अल्फाबेट के साथ आपको यस लगा मिल जाता है, तो वो चीज बिल्कुल क्या होती है? गलत। मतलब जब तक हम लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स 26 अक्षर की बात कर रहे हैं, तो इन 26 अक्षर के कलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट के अलावा क्वेश्चन में हमको और कुछ मिलता है, तो वो चीज बिल्कुल क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टार लगा लीजिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है कि जो 26 लेटर्स, ऑर्थोग्राफी में जो हम लेटर्स की बात करते हैं, और लेटर्स में हम जो ए से लेके जेड, जब तक लेटर्स की बात आती है, तो वहां सिर्फ हम बात करते हैं इंग्लिश में ए से लेके जेड तक के लेटर्स की, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, और उन 26 लेटर्स के कलेक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अगर कभी लेटर्स की बात हो रही है, लेटर्स का फील आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ के, और वहां पे कभी भी आपको घुमाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, एग्जाम में आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपका बेसिक नॉलेज ठीक है कि नहीं है, तो वहां पे वो हमेशा अल्फाबेट डालने की जगह क्या डाल देते हैं? अल्फाबेट्स, जो कि लेटर्स के सेंस में हमेशा क्या होता है? गलत। आप एक मिनट में, अगर हम एसएससी की बात करें, तो एसएससी 3 से 4 बार कंटिन्यू क्वेश्चन सिर्फ इस अल्फाबेट पे पूछ चुका है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की अगर आपको बात करूं, तो हम देखेंगे यहां पे कि पहला क्वेश्चन आया था, पहला जो क्वेश्चन आया था एसएससी में, वहां पे उसने ये पूछ लिया था कि शी लर्न्ड द अल्फाबेट्स, सी लर्न्ड द अल्फाबेट्स इन द एज ऑफ 4। सी लर्न्ड द अल्फाबेट इन द एज ऑफ 4। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं, जहां पे क्वेश्चंस पे आप पे एरर पूछा था कि भैया जैसे इसी को मैं 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं अगर इसी क्वेश्चन को मैं 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, और आपसे मैं पूछ लूं कि यहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत मतलब होता है एरर क्या है, गलती क्या है, इस सेंटेंस में क्या गलत है, तो ऐसे आपको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन देता है, और वहां पे आपसे क्या पूछता है? एरर। तो अगर आपको यहां पे ये क्वेश्चन अगर आ गया है और आपको यहां पे एरर फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पे बात क्या हो रही है कि भैया 4 साल की उम्र में किसी लड़की ने क्या सीख लिए? पूरे अल्फाबेट सीख लिए, मतलब 26 अक्षर सीख लिए। क्वेश्चन की फील क्या है कि 4 साल की उम्र में, इन द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में किसी ने क्या सीख लिए? पूरे 26 लेटर सीख लिए, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो अगर वो 26 लेटर्स की बात कर रहा है, तो पूरे 26 अक्षर मतलब ए से लेके जेड तक, और ए से लेके जेड तक के पूरे 26 अक्षरों के कलेक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अगर जब तक हम लेटर्स की बात कर रहे हैं, लेटर को सीखने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कभी भी अल्फाबेट्स का प्रयोग किया है, तो वो बिल्कुल गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या सही होता है? अल्फाबेट।
तो यहाँ पे इरर किस पार्ट में था, बी पार्ट में इरर था। और वो दोस्तों इरर क्या था कि अल्फाबेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 4 साल की उम्र में उसने पूरे अक्षर सीख लिए और पूरे अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, और उन 26 अक्षर को हम अल्फाबेट कहते हैं ना कि अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे उन्होंने अल्फाबेट्स का प्रयोग कर लिया, इसीलिए ये चीज है, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इरर कहाँ आ गया, बी पार्ट में आ गया। अब एसएससी क्या करता है, एसएससी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है दोस्तों, वो हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है, हमेशा क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे वहां यहां पे उसने क्या डाल दिया था, शी डाल दिया था, और जब नेक्स्ट ईयर उसने क्वेश्चन पूछा तो शी की जगह उसने कर दिया बॉबी, और जहां पे ये 4 लिखा था यहां पे उसने कर दिया 2। पर उसका क्वेश्चन पूछने का कॉन्सेप्ट क्या था, क्वेश्चन में उसने क्या डाला था, अल्फाबेट सी डाला था, जहां आपको तुरंत पकड़ लेना है कि जब तक हम लेटर्स को सीखने की बात कर रहे हैं, जब तक हम लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स के सेंस में सिर्फ और सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे, अल्फाबेट का। कहीं पर भी अगर आपको अल्फाबेट्स मिलता है तो वो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए ए से लेके जेड तक के लेटर्स में, ए से लेके जेड तक के लेटर्स में अगर हम बात करें, तो अगर इनमें से मैं कोई भी लेटर ले लेता हूं, अगर ए ले लिया या मान लीजिए बी ले लिया, कोई भी एक लेटर ले लेता हूं, तो इस एक अक्षर को मैं क्या बोलूंगा, लेटर बोलूंगा, क्या बोलूंगा, लेटर बोलूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा कोई भी अक्षर ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ए ले लिया, मैंने बी ले लिया, मैंने सी ले लिया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको दोस्तों मैं बोलूंगा लेटर्स बोल दूंगा। लेकिन अगर मैं पूरे 26 अक्षरों की बात कर रहा हूं, अगर मैं ए से लेकर जेड तक के लेटर्स की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द सही होता है, दैट इज अल्फाबेट, दैट इज अल्फाबेट। और अगर आपको बैंकिंग एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा अल्फाबेट होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा क्या डाल के देगा, अल्फाबेट्स। तुरंत आपको पकड़ लेना है कि अल्फाबेट्स हमेशा लेटर्स के सेंस में क्या होता है, गलत होता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के बाद आपको इंग्लिश में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जितना हो सकेगा हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हम पूरी टीम के साथ आपके साथ वर्क करेंगे। और वो सभी छात्र गांव में हैं, जो दूर में हैं, जो कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सारे छात्रों के मदद करने के उद्देश्य से हम यहां हैं। आपको जो भी दिक्कत हो आप खुल के बताएं, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उनका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी एक लेटर की हम बात करें तो हम लेटर्स बोलेंगे, और किसी एक से ज्यादा लेटर्स की बात करें हम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। एक अक्षर है तो लेटर, एक से ज्यादा अक्षर है तो लेटर्स, और अगर पूरे 26 अक्षरों की बात कर रहा हूं तो उसके लिए सिर्फ एक शब्द प्रयोग होगा, दैट इज अल्फाबेट। जब तक हम लेटर्स की बात करेंगे, जब तक हम अक्षर की बात करेंगे, जब तक हम वर्णमाला की बात करेंगे, तब और तब, तब तक सिर्फ एक ही शब्द सही है, अल्फाबेट। अगर कहीं पे भी आपको अल्फाबेट्स मिलेगा तो वो बिल्कुल गलत होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा। एक बार एसएससी ने क्या किया, यहाँ पे शी करके क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार बॉबी करके पूछ लिया, एक बार ही करके पूछ लिया, और तीनों का आंसर यही था, तीनों में यही दिक्कत थी कि इरर किस पार्ट में था, गलती किस पार्ट में थी, मिस्टेक किस पार्ट में थी, बी पार्ट में थी, क्योंकि भैया पूरे अक्षर सीखेगा तो पूरे अक्षर मतलब 26 अक्षर, और 26 अक्षर को हम अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि 26 अक्षर ही होते 27वां अष्टक बनाने, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन 26 ये अल्फाबेट्स आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को, अगर आपको देखेंगे तो आपको कई 4 से 5 बार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर मिलेगा, अल्फाबेट्स के ऊपर मिलेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि लेटर्स के सेंस में हमेशा क्या सही होता है, अल्फाबेट सही होता है। थोड़ा सा आपसे आगे की बात करूंगा कि इन्हीं 26 अक्षरों में किसी भी भाषा में अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज मिलती है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर, स्वर का मतलब हम क्या समझते हैं, बॉबल से, और व्यंजन क्या होता है, कॉन्सोनेंट। हर भाषा में, कोई भी भाषा, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, चाहे मैं हिंदी की बात करूं, हर भाषा में स्वर डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि स्वर से ही चीजें सुरीली होती हैं, और सुरीली चीजें ही हमको अच्छी लगती हैं। जैसे मैं आपसे अगर एग्जांपल के रूप में बात करूं तो कोयल और कौआ, है ना, कौआ देखने में ज्यादा अच्छा, हट्टा कट्टा लिखता है, हैंडसम दिखता है, पर कौआ हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उसकी जो वॉइस होती है कोकोफोनी होती है, कर्कश आवाज होती है। क्यों, उसकी भाषा में, उसकी बोली में स्वर नहीं पाए जाते, और बिना स्वर के कोई भी चीज क्या हो जाती है, बेसुरी, और बेसुरी चीज हमको अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है, और किसी भी भाषा का प्रयोग हम सुबह से शाम तक करते हैं, मतलब हम चाहे अगर
पेशेंट भी हैं, अगर हम बीमार भी हैं, अगर हम कितने भी थक गए हों, लेकिन एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हम बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर भाषा में क्या होते हैं? स्वर, और स्वर से भाषा क्या हो जाती है? सुरीली। इसीलिए भाषा का प्रयोग हम एक दूसरे से दिन भर कर पाते हैं और वो हमको बिल्कुल अच्छा लगता है, हम उस चीज से बिल्कुल थकते नहीं। तो हर भाषा में स्वर क्यों डाले जाते हैं? हर भाषा में स्वर होते हैं क्योंकि स्वर से चीजें क्या हो जाती हैं? सुरीली, और सुरीली चीजें हमको क्या लगती हैं? अच्छी लगती है। अब एक चीज और बताइएगा कि दोस्तों, अगर मैं स्वर की बात करूं तो स्वर क्या बिना बोले स्वर का पता लगाया जा सकता है? अगर कोयल की आवाज हम नहीं सुनते, कौए की आवाज हम नहीं सुनते, किसी व्यक्ति की वाणी हम नहीं सुनते, किसी व्यक्ति की आवाज नहीं सुनते, तो क्या हम पता लगा पाते कि कौन सा व्यक्ति मधुर है, कौन सा व्यक्ति मधुर नहीं है, कौन सा व्यक्ति सुरीला बोलता है, कौन सा व्यक्ति सुरीला नहीं बोलता है? इसकी पहचान कैसे होती है? अगर मैं सीधी सी बात करूं, अगर अरिजीत सिंह की बात करूं, इस समय अरिजीत सिंह बहुत फेमस सिंगर हैं, तो आपको कैसे पता चला कि अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं? सुन के, जब वो गाते हैं या बोलते हैं तभी आपको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति मधुर है या सुरीला है। किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके स्वर से, उसकी वाणी से ही होती है। इसीलिए हर भाषा में स्वर डाले जाते हैं जिससे भाषा क्या हो जाए? सुरीली हो जाए। अब अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं, अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट मतलब 26 लेटर्स का कलेक्शन। तो अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन से समझते हैं दोस्तों, और दूसरा क्या है? आपका वॉवेल, जिसको हम किससे समझते हैं? किससे समझते हैं? स्वर से। अगर हम अंग्रेजी वॉवेल की बात करें तो हम पांच वॉवेल पढ़ते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। दुनिया में अगर आपको कोई भी बोल दे कि सामने वाले व्यक्ति या सामने वाला शब्द या सामने वाला अक्षर सुरीला है, तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे। कब तक? जब तक आप उससे बात न कर लो। इसीलिए आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाते हैं दोस्तों, कहीं पे भी जाते हैं तो वो आपसे बात करते हैं। क्यों? जिससे ये पता लग पाए कि आप कैसा बोलते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका आपकी बोली कैसी है। उसी तरह अगर ये वॉवेल है तो वॉवेल लिखने से मतलब नहीं है, वॉवेल है तो हमको साउंड करके देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी स्वर की पहचान होगी, तभी स्वर की पहचान होगी ना। क्योंकि कोयल सुरीली है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? जब कोयल बोलती है। कौआ सुरीला है कि नहीं है, कैसे पता चलता है? जब वो बोलता है। तो ये अगर वॉवेल है, ये अगर स्वर है, तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। जैसे ही हमने इनको बोला तो क्या आया? ए। ये क्या आया? ई। इसको हमने बोला तो क्या आया? आई। इसको हमने बोला तो क्या आया? ओ। ठीक है, यू फॉर अम्ब्रेला, हम स्वर की बात कर रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आया? आ। आप देख रहे हैं कि हम बोल तो अंग्रेजी रहे हैं पर आ क्या रही है? हिंदी। ये जितने भी अक्षर आ रहे हैं, ये अक्षर कहां से कहां तक के बीच के आ रहे हैं? आ से लेके आ। मतलब जब इन वॉवेल को, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल हैं, जब इन वॉवेल को हमने क्या किया? साउंड किया, तो चीजें कहां से कहां तक की आ गई? आ से लेके आ तक। बात समझ में आई दोस्तों? इसीलिए कोई भी क्वेश्चन हम अगर हम आर्टिकल का करते हैं तो हम वॉवेल के हिसाब से नहीं करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं? वॉवेल साउंड के हिसाब से। जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूं एच ओ यू आर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आवर बोलते हैं। जैसे ही हमने इस वर्ड को साउंड किया, हमको हर वर्ड को साउंड करके देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई शब्द सुरीला है कि नहीं, वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तब पता लगाया जा सकता है जब वो वॉवेल साउंड में आए बोलने से। तो जैसे ही हमने इसको बोला, हमने क्या देखा? आवर आ रहा है, मतलब ये आ से लेके आ तक के बीच में आ रहा है, मतलब वॉवेल साउंड में आ रहा है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे? एन का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ गया? होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम सारी चीजें वॉवेल साउंड से करते हैं, ना कि वॉवेल से, क्योंकि वॉवेल है, स्वर की पहचान तभी हो सकती है जब उसको क्या किया जाए? उसको बोला जाए। तो जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद हम आर्टिकल में आने वाले हैं, तो आर्टिकल के यूज में आपको मैं बताऊंगा कि वॉवेल साउंड का हम प्रयोग कैसे करते हैं और कहां करते हैं। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। अब यहां लेटर्स से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, हम कहां चलते हैं? आर्टिकल में, जहां पे हम स्वर, वॉवेल का यूज, ये सारी चीजें देखेंगे, और लेटर्स का यूज कहां पे, कौन से अक्षर है, कौन सा वर्ड में कौन सा साउंड है, कौन सी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें।